हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, रिसेंटली मैंने ये वाली ड्राइंग कंप्लीट की है A1 साइज़ की, जो कि है मदर टेरेसा की, जो कि मेरी फर्स्ट A1 साइज़ की हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग है, जिसको बनाने में मुझे ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लग गया, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो देख लो, कुछ इस तरह की लग रही है। तो इसे कम्प्लीट करने में मुझे ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लग गया है। तो फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है अभी तो, बट इसके पीछे के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी कुछ मैंने सीखा है, काफ़ी कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है, और काफ़ी कुछ मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट किया है डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके, क्योंकि मेरा फर्स्ट वर्क था तो पहले तो सीखना था मुझे, तो इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया और बहुत चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की, बहुत चीज़ें मैंने गलतियाँ की जिनको मैं नेक्स्ट टाइम अवॉइड करूँगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बड़े स्केल पर काम करने के लिए, क्या क्या मैंने ऑब्जर्व किया, क्या क्या मैंने एक्सपेरिमेंट किया, सभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इतने बड़े स्केल पर काम करने के लिए हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ है, मेन चीज़ है पेपर। ऑब्वियसली अगर पेपर आप बहुत पतला यूज़ करोगे तो वो फट सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़े स्केल पे आप काम कर रहे हो, आपको मतलब काफ़ी टाइम लगेगा बनाने में उसको, और काफ़ी मतलब उस पर हाथ लगेंगे और टूल्स पेंसिल्स वगैरह लगेंगी, तो वो फट सकता है। तो ऑब्वियसली आपको अच्छे GSM पेपर का यूज़ करना चाहिए, और आइवरी या फिर किसी भी स्मूथ पेपर का यूज़ आई डोंट थिंक ही करना चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें आइवरी का यूज़ किया है और जो रिजल्ट्स हैं मेरे को बहुत मुश्किल से मैंने लाए हैं। ये मेरे को पता है कितने मुश्किल से लाए हैं। अगर कार्ट्रिज यूज़ करता तो आई थिंक इससे आधा टाइम लगता, क्योंकि उसमें ग्रेफाइट काफ़ी अच्छे से ऑप्ट हो जाती है, बट इसमें नहीं होती है इतने अच्छे से, इसमें घिसना पड़ता है ज़्यादा, और मतलब शेडिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आगे से तो मैं आइवरी पेपर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया, मैंने एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैंने पेपर मंगवा लिए हैं, अब से मैं आइवरी में बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप बड़े साइज़ में वर्क करते हो तो आपको कार्ट्रिज पेपर ही यूज़ करना चाहिए, कोई रफ सरफेस का पेपर। तो पेपर का तो हो गया, पेंसिल्स की बात करते हैं। तो पेंसिल्स तो मैंने इसमें ग्रेफाइट और चारकोल दोनों यूज़ किए हैं, तो बड़े स्केल पे हमको चारकोल का यूज़ करना ही पड़ता है, बिकॉज बड़े जैसे ये मैंने बैकग्राउंड किया तो इसमें मैंने चारकोल स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, चारकोल पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। बट एक बात जो मैंने चीज़ देखी कि ओनली पेंसिल से शेडिंग करो जब भी हम बड़े स्केल पे करते हैं, तो पेंसिल से शेडिंग करनी चाहिए, ब्लेंडिंग पे फोकस नहीं देना चाहिए। मैंने इसमें काफ़ी ब्लेंड कर दिया फेस पे, बट जो हैंड वाला पोर्शन है उसमें मैंने बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में चल गया पता कि फेस पे जो ब्लेंड करके जो अफेक्ट मिल रहा है वो किस तरह का मिल रहा है, उतना सही नहीं मिल रहा, थोड़ा थोड़ा रफ अफेक्ट चाहिए हमको, क्योंकि हम शेडिंग से पा सकते हैं। तो बड़े स्केल पे आई थिंक शेडिंग से ही काम करना चाहिए, बिल्कुल भी ब्लेंडिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप हैंड देख सकते हैं, हैंड काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं, क्योंकि बड़े स्केल का वर्क है, हम उसको बिल्कुल पास से थोड़ा देखेंगे, बिल्कुल पास से देखेंगे तो वो पूरा दिखेगा ही नहीं, तो हम उसको दूर से देखेंगे। अगर मैं इसको दूर से देखूंगा तो उसमें क्या रफ अफेक्ट दिखेगा। तो आई थिंक कि ब्लेंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं, बट बड़े स्केल पर आई थिंक ब्लेंडिंग का कोई ज़्यादा काम नहीं है। हाँ, बैकग्राउंड को ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे मैंने चारकोल को ब्लेंड किया, ये बैकग्राउंड को तो कर सकते हैं, बट जो ऑब्जेक्ट हम मेन पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं, जो मान लो फेस ड्रॉ कर रहे हैं, फेस पे जो झुर्रियाँ वगैरह दिखाई हैं, वो हम डार्क ग्रेड की पेंसिल से दिखा सकते हैं, ओनली शेडिंग करके दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ओनली शेडिंग से ही ये सब कुछ बनाना है। और अब बात करते हैं हाईलाइट्स की। तो हाईलाइट्स भी आई थिंक हमको पेंसिल से ही करने चाहिए, क्योंकि लार्ज एरिया है, लार्ज एरिया में बड़े बड़े हाईलाइट्स होंगे, तो वहाँ पे आप जगह छोड़ दो बस। यूजली हम जैसे A4 पे बनाते हैं तो उसमें तो हम शेड कर देते हैं ऊपर से, फिर इरेजर से हाईलाइट कर देते हैं, बट इसमें तो हम बड़े स्केल पे बना रहे हैं तो इसमें हम जगह छोड़ सकते हैं, जिससे काफ़ी उभर के आएगा। मैंने इसमें जो फेस है उसमें मैंने इरेजर का बाद में यूज़ किया, तो वो मेरे को लगा कि मेरे को इसमें जगह छोड़नी चाहिए तो और अच्छा लगता, बट जो फाइन डिटेल है जैसे हेयर की या फिर जो फेस पे थोड़े बहुत फाइन डिटेलिंग होती है, वहाँ पे तो हमको टोम्बो इरेजर या फिर और इरेजर यूज़ करने पड़ेंगे। बट जब मैं यूजली कह रहा हूँ, जैसे नोज़ में होते हैं हाईलाइट्स, आइज़ में हाईलाइट्स होते हैं, तो उनको हम जगह छोड़ के बना सकते हैं, कोई ज़्यादा इरेजर्स यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मेनली मेरा कहने का मतलब है कि इस पर कंप्लीट हम पेंसिल से काम करेंगे ना तो बहुत अच्छा वर्क बनेगा A1 साइज़ पे या फिर उससे बड़ा। और गाइस, बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बड़े स्केल पे ड्रॉ करते हो, छोटे पे भी इंपॉर्टेंट है, A3 या फिर A4 पे भी इंपॉर्टेंट है। जो ये वाले बॉर्डर से दिख रहे हैं आपको, ये आपको बिल्कुल वाइट दिख रहे होंगे, बट ये वाइट थे नहीं, मैंने एक्रेलिक से वाइट किए मैंने पहले यहाँ पे टेप का यूज़ कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा निकाल के दोबारा टेप का यूज़ किया, मैंने दो दो तीन तीन बार टेप लगाई है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको मतलब एक ही बार टेप लगा लो, मेजर कर लो जितना आपको बॉर्डर छोड़ना है। बॉर्डर छोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब भी फ्रेम करते हैं तो बॉर्डर रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इतना जितना भी आपको चाहिए, 1 इंच 2 इंच जितना भी चाहिए बॉर्डर छोड़ो, और उसमें टेप लगाओ मेजर करके अच्छे से, और उस टेप को तभी निकालो जब आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो, ताकि जो आपका बॉर्डर है वो पूरा वाइट रहे। इसमें मैंने काफ़ी मिस्टेक की है, मैंने पहले टेप लगाई निकाली, उसके बाद मेरा पूरा ब्लैक हो गया था, फिर मैंने एक्रेलिक किया, इसमें भी आपको दिख नहीं रहा होगा बट पास से दिख रहा है पूरा वाइट वाइट। तो ये गलती आप बिल्कुल ही ना करें जब भी लार्ज स्केल पर ड्रॉ करें, तो टेप अच्छे से पहले लगा लें, उसके बाद ही ड्रॉ करें और कंप्लीट होने के बाद ही निकालें। तो गाइस, अब बात करते हैं बैकग्राउंड की।
तो बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो अगर पोर्ट्रेट आप ड्रॉ करते हो तो पोर्ट्रेट में आई थिंक बैकग्राउंड को हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। बैकग्राउंड जो भी फोटोग्राफ में है उसको ड्रॉ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि जो फेस है वो उभर के आना चाहिए। मतलब कोई भी अगर देख रहा है बंदा तो उसको फेस दिखना चाहिए, ना कि बैकग्राउंड। जैसे कि ये ड्राइंग है, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, मैंने इस वाले पार्ट में कुछ था, मतलब यहाँ पे बुके इफेक्ट था, यहाँ पे माइक सा था जो कि मैंने ड्रॉ करा था। उस पर मैंने 4-5 घंटे मेरे ख़राब भी किए, 4-5, ख़राब तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने सीखा ही उससे, तो मैंने 4-5 घंटे लगाए जो कि अगर मैं ना लगाता, सीधा ब्लैक कर देता बैकग्राउंड, तो काफ़ी सही रहता। बाद में मुझे समझ में आया क्योंकि काफ़ी लोग जब देख रहे थे कि मैं बना रहा था, ये क्या है ये क्या है, उनकी नज़र फेस पे नहीं जा रही थी, उनकी नज़र हैंड पे नहीं जा रही थी। तो इसकी जो मेन हाईलाइट है वो फेस है, और ये जो हैंड है इसकी मेन हाईलाइट फेस और हैंड है पोर्ट्रेट की। तो अगर नज़र वहाँ जा रही है लोगों की तो ये सही नहीं है बिल्कुल भी, बैकग्राउंड पर नज़र जा रही है तो वो सही नहीं है। तो मैंने बैकग्राउंड को बिल्कुल ब्लैक कर दिया, तो अब जो ये फेस है और जो ये है ये बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है और काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो जब भी आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो, पोर्ट्रेट यूजली यहाँ तक होता है, यूजली यहाँ तक पोर्ट्रेट होता है, यहाँ तक। तो हाँ, उससे नीचे फिगर ड्राइंग होता है, तो उसमें आप बैकग्राउंड कर सकते हैं, क्योंकि बंदा खड़ा है कहीं पे तो वो दिखाना तो पड़ेगा ही, कहाँ पे खड़ा है, सीढ़ियों पे खड़ा है, कहीं ज़मीन पे खड़ा है, ज़मीन तो बनानी पड़ेगी। बट अगर आप पोर्ट्रेट बनाते हो तो बैकग्राउंड आप शेड कर सकते हो, लाइट कर सकते हो, बिल्कुल ब्लैक कर सकते हो, या फिर वाइट भी छोड़ सकते हो। तो जब भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करो तो जो चीज़ बैकग्राउंड में है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दो, ओनली जो फेस है, जो भी फेस के आसपास का एरिया है, जो हैंड, जैसे इसमें हैंड है तो उसको मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जो कि वो काफ़ी अच्छा लग रहा है फेस के साथ में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाय द वे, पोर्ट्रेट में मेन चीज़ होती है हमारा फेस, जो कि अगर दूर से भी कोई दिखे तो फेस जरूर दिखे। बैकग्राउंड अगर आप डिटेलिंग बैकग्राउंड में डिटेलिंग कर दी तो फिर वो बैकग्राउंड ही दिखेगा। और मैंने व्लॉग में दिखाया कि मैं इसको जैसे बैकग्राउंड कर रहा था पेंसिल से, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे किस तरह से ब्लेंड कर दिया, किस तरह से इतना ब्लैक कर दिया बैकग्राउंड। तो उसके लिए मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया, चारकोल स्टिक का भी यूज़ किया, किसी भी चारकोल पेंसिल से आप कर सकते हो, कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल से भी कर सकते हो, चारकोल स्टिक भी आती है कैमलिन की उससे भी आप कर सकते हो। ब्लेंड करने के लिए मैंने ब्रश का यूज़ किया है, वही मेरे पास जो मेकअप ब्रश है उसी का यूज़ किया, सिंपली बस करता गया। थोड़ा टाइम लगता है बट डार्क वेल्यूज आपको मिल जाएंगी, बट जो डस्ट होएगा ना, लिटरली गाइस डस्ट बहुत होता है। तो हाँ गाइस, बैकग्राउंड का यही सीन है, मैंने आपको बता दिया, बैकग्राउंड पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो और बैकग्राउंड को आप शेड कर सकते हैं। इसमें मैंने यूज़ किया था आइवरी पेपर 250 GSM का। GSM तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मोटा पेपर है, फटा या फिर मुड़ा तो नहीं, बट जो इसमें दिक्कत आई वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सो गाइस, दूर से तो नहीं दिख रहा है बट अगर आप पास से देखोगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो आपको इसमें धब्बे से दिखेंगे। ये देखो गाइस, ये धब्बे परमानेंट है, ये मिट नहीं रहे, इरेजर से भी नहीं मिट रहे, ऊपर भी हैं, यहाँ भी हैं, ये देखो इस वाले पार्ट में रहेगी, क्योंकि ये पार्ट मैंने सबसे लास्ट में शेड किया था, और लास्ट में शेड किया था तब तक जो मैंने चारकोल का यूज़ किया, ग्रेफाइट का यूज़ किया, थोड़ा बहुत भी अगर उड़ के इसके ऊपर आ रहा है और उसमें पेंसिल या फिर कुछ भी चीज़ लगती है तो धब्बे पड़ जाते हैं आइवरी पेपर के ऊपर, आइवरी पेपर की ये प्रॉब्लम है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको थोड़े से धब्बे से दिखाए मैंने जो कि हो गए चारकोल की वजह से, तो ये आइवरी पेपर की बहुत बेकार सी बात मुझे लगती है। जब भी मैंने इसको अब यूज़ करना छोड़ दिया, और वैसे भी एसिड फ्री भी नहीं होता, तो क्या पता कब जाके ख़राब हो जाए हमारी ड्राइंग। बट फिलहाल मैंने वैसे कार्ट्रिज पेपर मंगा लिए हैं, तो वो आ जाएंगे अब से, जो नेक्स्ट ड्राइंग है मैं कार्ट्रिज पे बनाऊंगा, और ऐसा कार्ट्रिज में नहीं होता है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो उसमें मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती शेडिंग करने में, काफ़ी जल्दी मैं शेड कर पाता हूँ क्योंकि उसमें ग्रेन्स होते हैं, तो वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। बट इसमें मैंने आपको दिखा दिया क्या प्रॉब्लम होती है आइवरी में, बट वो पास से ही दिख रहा है जो मैंने आपको दिखाया, अगर मैं इतने दूर से भी देख रहा हूँ तो उस पर नज़र नहीं जा रही है बिल्कुल भी, काफ़ी प्यारी लग रही है ड्राइंग, मैंने काफ़ी अच्छे से इसको मेंटेन करने की कोशिश की है, कैमरे में इतना जस्टिस नहीं करेगा बट रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अभी फिक्सेटिव भी करना है मुझे, फिक्सेटिव मेरे ख़त्म हो गए थे तो वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर रखे हैं, तो फिक्सेटिव आने के बाद मैं फिक्सेटिव कर दूंगा और फिर इसको रख दूंगा, और कहाँ रखूँगा, किस तरह से स्टोर करूँगा मैं इतनी बड़ी ड्राइंग को, वो आप मेरे व्लॉग वाले चैनल पे दिखा दूंगा मैं किस तरह स्टोर करूँगा। फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया है कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इतने बड़े साइज़ पे बनाने के लिए, बस आई थिंक इतनी चीज़ें हैं जो कि मैंने ऑब्जर्व की हैं, और आने वाले वीडियोज़ में अगर मैं और ड्रॉ करूँगा, ऑब्वियसली करूँगा, आप तो इतने बड़े बनाएंगे, तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। साथ साथ में मेरे व्लॉग्स वाले चैनल को फॉलो कर सकते हो बिहाइंड द सीन देखने के लिए, किस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, सब आपको मेरे बिहाइंड द सीन मेरे व्लॉग वाले चैनल पे मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप फॉलो कर सकते हो वो चैनल भी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।